तो ये वीडियो हर एक क्रिएटर बनाता है और शायद उसकी फेवरेट वीडियो होती है। नमस्ते, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्स इन माय कैमरा बैग। आई नो मेरे थीम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। आप कहोगे भाई तू कहाँ कोडिंग की बात करता है, कहाँ व्हाट्स इन माय कैमरा बैग कर रहा है, बट दिस वीडियो इज रियली क्लोज टू माय हार्ट। मैं बहुत टाइम से बनाना चाहता था एंड फाइनली आई थॉट ओके लेट्स मेक दिस वीडियो। शायद ये सबको पसंद ना आए बट जो ओजीज हैं इस चैनल को उनको पक्का पसंद आएगी एंड आई लव यू ओजीज दिल से। तो आपका टाइम और वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं फोन की तरफ स्विच करते हैं, मतलब फोन के कैमरा पे स्विच करते हैं ताकि आपको अपना कैमरा अपना पूरा सेटअप मैं दिखा सकूं। तो चलिए स्विच करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम जो कि हमारा कैमरा बैग, और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था मैंने कॉस्मोस से। कॉस्मोस का बैग है, अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये मेरे को कुछ 2-3 हज़ार रुपये का पड़ा था। इसमें काफ़ी सारी जिप्स हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरेज है, काफ़ी बड़ा है और मतलब पैडिंग वाइज तो ठीक है बट रेन कवर नहीं था इसमें। और ना मैं इसको मानता हूँ कि ये बारिश से आपके गियर्स को ज़्यादा बचाएगा। आई डेफिनेटली टू अपग्रेड इट, इसमें ट्राईपॉड रखने का भी कोई जगह नहीं है वगैरह वगैरह, तो अपग्रेड करना है बट थोड़े से पैसे आएंगे उसके बाद करते हैं। अब इसको मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसको मैं कैसे रखता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर की सेटिंग्स है और ये सारी चीज़ है इसके अंदर। तो अब बात कर लेते हैं कैमरा हम कौन सा यूज़ करते हैं। तो मैं कैमरा जो यूज़ करता हूँ वो है कैनन का 200D, आप देख सकते हो कैनन का 200D मैं यूज़ करता हूँ। और मैंने इसको लिया था 2017 में जब लॉन्च हुआ था, मैंने तभी ले लिया था। मेरे को ये 50 के अराउंड का पड़ा था, 50-55 का कुछ विद किट लेंस, और अभी तक काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे इसे शूट करने में। मैंने इसको मेनली लिया था फोटोज़ खींचने के लिए क्योंकि तब मैं क्लाइंट वर्क कर रहा था, कॉलेज में था, तो साइड बाई साइड थोड़ी बहुत फ्रीलैंसिंग कर रहा था अपना वीकली पॉकेट मनी निकालने के लिए, और साथ में सोचा था वीडियोस भी बनाएंगे तो उसके लिए लिया था। अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई प्लान नहीं है इसको अपग्रेड करने का। अनटिल अनलेस आप लोग मुझे महीने का 1 लाख रुपये यूट्यूब से कमवा के दे रहे हो, अब तक ये कैमरा मेरा गो टू कैमरा और मेन कैमरा रहेगा। अब लेंसेज की बात करते हैं, बट उससे पहले भी बता दूँ मेरे को भाई प्राइम लेंसेज एकदम से प्यार हो गया है, पता नहीं क्यों, बट फर्स्ट लेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेंस फिर उसके बाद मैंने कौन सा लेंस लिया। तो सबसे पहला लेंस मेरा कैनन का 18-55 था जो कि मैंने बताया किट लेंस है ये, तो ये लेंस मिला था हमको उसके साथ और काफ़ी अच्छा है, अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। स्टार्टिंग में तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इवन मैंने कई पोर्ट्रेट्स से खींचे हैं लोगों के, बट अब मतलब पोर्ट्रेट्स के लिए उतना अच्छा नहीं, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती। हाँ बिगनर्स के लिए मैं कह सकता हूँ कि ठीक है अच्छा है, बट एक लेवल के बाद इसकी क्वालिटी थोड़ी सी पीछे रह जाती है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई कुछ चीज़ों में पीछे है, बट फॉर अ बिगनर काफ़ी अच्छा लेंस है। तो इसके बाद मैंने लिया था एक 50mm, ये हुडा इसको इग्नोर करना, तो ये 50mm मैंने लिया था यंगनॉस से और ये मेरे को पड़ा था 4000 कुछ का। 2018 में मैंने लिया था तो 3500-4000 कुछ का मेरे को पड़ा था, और वहीं कैनन का 8-9 हज़ार का आता है 50mm सेम 1.8, तो मैंने उस टाइम यंगनॉस ले लिया था। आई वुडन्ट से रिग्रेटेड बट मेरे को लगता है मेरे को कैनन लेना चाहिए था क्योंकि कैनन का ऑटो फोकस फास्टेस्ट है और शार्पनेस थोड़ी सी अच्छी है। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैंने जस्ट रिसेंटली अपग्रेड किया है कैनन का एक 24mm मैंने लिया है, पैनकेक लेंस कहते हैं इसको बहुत लोग, क्योंकि कितना छोटा है, बहुत छोटा लेंस है इसलिए इसको पैनकेक लेंस कहते हैं। और ये लेने के बाद मैं जो बात कह रहा हूँ ना ये यंगनॉस में भी आता है, मैंने इसको कैनन का लिया, चांदनी चौक से लिया है, 9000 रुपये का मेरे को पड़ा है ये, वैसे 10000 रुपये का लेंस है और ओरिजिनल है, कैनन की वारंटी के साथ मिला है। कई लोग चांदनी चौक का नाम सुनते नया लिया है मैंने और ओरिजिनल है विद कैनन की वारंटी। गोलू फोटोज के नाम की दुकान है वहाँ से लिया है, स्पॉन्सर्ड नहीं है या मैं रिकमेंड कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ मैंने वहाँ से लिया है, कैनन की वारंटी के साथ उन्होंने दिया था तो पूरा ट्रस्ट था, तो 1000 रुपये भी इसमें बच गए तो क्यों ना बचाऊँ। अभी तक मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मैंने इसको मेनली लिया है वीडियोज़ के लिए, जो डाउन वीडियोज़ करता हूँ तो मैं अपना अभी तक किट लेंस यूज़ करता था 24 पे लगा के, तो थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत होती है, पर ये 2.8 है तो ज़्यादा अच्छा फोकस है और ज़्यादा लाइट आएगी और फास्ट लेंस है। और साथ ही अभी मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी शुरू की, अपने दोस्तों जाता हूँ हर वीकेंड फोटोज़ खींचता हूँ, तो उसमें 24mm काफ़ी अच्छा काम करेगा क्योंकि मेरे कैमरे का क्रॉप फैक्टर 1.6 है तो वो लगा के 35mm का बन जाता है कैमरा, उस पर 24mm ऐसा लगता है कितना कॉम्पैक्ट कितना छोटा लगता है आप देख सकते हो, वहीं 50mm और किट लेंस देखो तो कितने बड़े हैं, मतलब ये देखो कितना छोटा हो जाता है ये लेंस लगने के बाद कैमरा, तो नोटिसेबल कम है, तो इसलिए स्ट्रीट में काफ़ी अच्छा काम करता है। और ये दो एक्स्ट्रा लेंस जो मेरे पास हैं अभी वो हैं 50mm, भाई पोर्ट्रेट में तो बहुत काम आता है, अभी पोर्ट्रेट अगर मेरे को खींचने को बोलोगे तो 50mm से ही खींचूंगा मैं, इससे मैंने स्ट्रीट भी करी है तो
तो वो देखने तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो या जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा मेरे कैमरा बैग में कुछ चीजें और हैं, जैसे कि ये दो RGB पैनल्स हैं, जिनसे अगर आपने अभी B-rolls देखे होंगे तो वो ये RGB पैनल्स की लाइट्स आए हैं, तो कभी कभी काम आ जाता है कुछ क्रिएटिव लुक डालने के लिए अपने शूट में। इसके अलावा बोए के दो BYMM माइक्स हैं मेरे पास, दो क्यों हैं, दोनों टूटे हुए, दोनों खराब हैं, और बोया मैं रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को यार, बहुत बेकार माइक है। बोया के मत लो, पैसे बचा के अच्छे लो, नहीं तो 200 रुपये के जो बिना नाम वाले माइक आते ना, वो लो। बोया भी वही करता है, वो माइक खरीद के अपना नाम डालता है, तो बोया की क्वालिटी मेरे कुछ खास पसंद नहीं आई। आई डोंट नो व्हाई यूट्यूबर्स इतना ज़्यादा बोलते हैं। मेरे पास दो हैं, दोनों खराब हो गए हैं और दोनों की क्वालिटी बेकार थी। एक ये मैं रखता हूँ, एक लेंस का कवर, चश्मे का कवर जो है इसमें मैं रखता हूँ, एक कैनन का क्या केबल है जिससे आप ट्रांसफर कर सकते हो फोन में लैपटॉप पे अपनी फोटो सीधा कैनन कैमरे से, और इसमें दो मेमोरी कार्ड भी रहते हैं। अभी दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि एक लैपटॉप में लगा है जो कि मेरे कल की फोटोशूट्स ट्रांसफर कर रहा था अभी उससे, तो वो लगा हुआ है। कैमरा की बैग की इस वाली में जाएं हम तो पॉकेट में, तो मेरे पास एक कैमरा का ट्रैप है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, और ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है। इसके अलावा एक UV फिल्टर है 1855 का, जो कि टूट गया था मेरा, उसके बाद मैंने कभी लिया नहीं, क्योंकि UV फिल्टर बकवास चीज़ है, आपकी तो इमेज क्वालिटी ख़राब करती है, और कोई ऐसा सच पर्पस नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो आप एक हुड ले लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके अलावा एक रिमोट मैं रखता हूँ, लाइट्स का जो रिमोट है अपने बैग में छोड़ा हुआ है, और ये एक ND फिल्टर है 2-400, काफ़ी अच्छा ND फिल्टर लगा मेरे को, ये भी चांदनी चौक से लिया था 1000 रुपये का, और अभी तक इमेज तो इससे अच्छी है। एक परफ्यूम, क्योंकि भाई आप अगर इंडिया में रहते हो तो आपको पता है कि भाई कितनी गर्मी होती है, कितना पसीना आता है, तो पूरा दिन का शूट सब है, तो परफ्यूम इज अ मस्ट। इसके साथ मैं रखता हूँ एक छोटी सी नोटबुक, कभी कुछ लिखना विखना हो उसके लिए, और मेरे ईयरफोन रहते हैं, पुराने वाले एयरपॉड्स हैं, उनकी हालत खस्ता हो गई है, दे नीड एन अपग्रेड, बट अभी पहले बाकी चीज़ों को अपग्रेड करना, जैसे लैपटॉप तो उसको बाद में। और इसके अलावा मेरे बैक पॉकेट में मेरा लैपटॉप होता है, लैपटॉप स्लीव में, जो कि है Acer Aspire 5, तो मैं अभी ये लैपटॉप यूज़ करता हूँ, 6 साल पहले लिया था मैंने। इट डज नीड्स एन अपग्रेड, बट क्योंकि मेरा मेन काम जो मेरा काम है वो कोडिंग का है, और वो काम ये अभी कर देता है, तो इसलिए मैं अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ। अगर YouTube कभी फ्यूचर में पैसे कमा के देने लगेगा और इतने पैसे कमा लेगा कि मैं एक लैपटॉप ले सकूं, हाँ इसमें वीडियो एडिट करना बहुत मुश्किल काम, बहुत महंगा काम है, बट मैंने सोचा था YouTube पे पैसे तभी लगाऊंगा जब YouTube मेरे को पैसे दे रहा होगा, तो अगर मैं आगे फ्यूचर में कभी YouTube से इतने पैसे कमा लूँ कि मैं लैपटॉप अपग्रेड कर सकूँ, तो मैं करूँगा। अभी के लिए मेरे कोडिंग का जो मेन काम है जिससे मेरे को पैसे आते हैं, वो काम ये कर देता है, तो मुझे कोई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा मेरा एक ये ट्राईपॉड मेरे साथ जाता है, कैमरा बैग में नहीं जाता, अलग से जाता है, सिंपेक्स का ट्राईपॉड है, दिस ऑल्सो नीड्स एन अपग्रेड बट करेंगे बाद में। सिंपेक्स का ट्राईपॉड है ये, और एक ये डिजिटेक का ट्राईपॉड जो कि जिस पर भी कैमरा माउंट है, ये जाते हैं। तो गाइस ये था मेरा एक छोटा सा वॉर्सिन में कैमरा बैग, मतलब छोटा सा बैग था, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी मेरे को उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो होगा थोड़ी बहुत स्पेयर बैटरीज, फिर उसके बाद 100mm का प्राइम लेंस एक मेरे को लेना है, बहुत ज़्यादा मन है मेरा, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो इसको बाद में देखते हैं। उससे पहले एक लैपटॉप अपग्रेड करना होगा, अगर यूट्यूब पैसे कमा के देगा तो उसमें आप लोग मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा कर सकते हो। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या आप गेयर आप यूज़ करते हो, अगर करते हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, कैनन सोनी या निकॉन या और कोई कंपनी, फूजी भी हो सकती है, तो वो सब नीचे कमेंट्स में बताना। आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू अबाउट दिस। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।